इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का एग्जाम मॉडल सेट 4 पढ़ने वाले हैं। हिंदी एग्जाम मॉडल सेट 1 2 3 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको चारों सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाएंगे। एक तो है कि एग्जाम मॉडल सेट का वीडियो 5-5 सेट बना चुके हैं, दूसरा है सब्जेक्ट का वीडियो, जो किताब है ना उसका ढेर सारा वीडियोज आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर का। तो आपसे गुजारिश है आप प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक कर लें। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम मॉडल सेट का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। एग्जाम में एग्जाम मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो आप सबके कहने पर तो सॉल्व करा ही रहे हैं। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ वचन के सही रूप को खाली स्थान में भरिए। देखिए हिंदी में वचन होता दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कहते हैं जो एक संख्या का बोध कराता है, बहुवचन कहते हैं जो एक से ज्यादा संख्या का बोध कराता है। तो देखिये यहाँ पर एक वचन ये सब में दिया हुआ, ब्रैकेट में एक वचन दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक वचन लगेगा तो एक वचन भर देंगे, अगर बहुवचन लगेगा तो इसका बहुवचन बना के भरेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे कि क्या होगा, एक वचन भराएगा कि बहुवचन भराएगा। देखिए खाली स्थान है ना, 5 गो है, एक सॉल्व कीजिएगा सही तो 2 नंबर मिलेगा, 5 सही सॉल्व कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए ये 10 नंबर आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान है, जैसे हम बताएंगे उसी तरह बनाइएगा एग्जाम में। वन बोल रहा है वह डैश में छिप गया। ठीक है, तो एक पत्ता में कोई कैसे छिप सकता है, नहीं छिप सकता, तो पत्ता ढेर सारा होना चाहिए। तो लिखेंगे वह पत्ते में छिप गया, पत्ता का क्या हो जाएगा, पत्ते हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे पत्ते। पेड़ की डैश नीचे आ गई थी। देखिए थी में क्या, यहां पर देख रहे डॉट लगाया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये बहुवचन को दिखा रहा है। ठीक ना, बहुवचन यानी एक से ज्यादा संख्या का ये बोध करा रहा है। तो 2 में क्या था, पेड़ की डैश नीचे आ गई थी, तो क्या हो जाएगा, डाली का डालियां हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे डालियां, तो पेड़ की डालियां नीचे आ गई थी। 3 है माँ की डैश भर आई। देखिए आई में क्या है, डॉट है, इसका मतलब क्या है, आंखें भर आई, आंखें तो प्लूरल होगा, बहुवचन, तो लिखेंगे माँ की आंखें भर आई, तो आंख का बहुवचन क्या होगा, आंखें। 4 है उसने डैश संभाल कर रखे थे, उसने डैश संभाल कर रखे थे। ठीक है, देखिए रखे थे बहुवचन का बोध करा रहा, तो खिलौना का बहुवचन क्या होता है, खिलौने, तो लिखेंगे उसने खिलौने संभाल कर रखे थे। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, ये जो ब्रैकेट में जो शब्द है ना इसका बहुवचन भरा जा रहा है, बहुवचन, समझ गए। 5 है हमारे बगीचे में आम के डैश की कतारे हैं, कतारे हैं, तो ये क्या बोध करा रहा है, बहुवचन का, तो पेड़ का क्या हो जाएगा, पेड़ों हो जाएगा, पेड़ों, हमारे बगीचे में आम के पेड़ों की कतारे हैं। और बहुवचन तो लिखना है, लेकिन कैसे लिखना, जो वाक्य में लगे, ठीक है, वाक्य में सुटेबल हो। 2 में है मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान कीजिए, तो मिलान करने वाला 5 को क्वेश्चन है, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा और 5 सही कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। तो देखिए झिंगोला, तो झिंगोला का मतलब होता है ढीला ढाला कपड़ा, ये किससे है, ये चांद है ना, चांद वाला जो चैप्टर पढ़ाया था ना उससे है। पुस्तैनी यानी क्या, कई पीढ़ियों से संबंधित, जैसे बोलते हैं ना कि अब हमारी पुस्तैनी मकान है या पुस्तैनी जायदाद है, तो दादा परदादा के द्वारा दिया गया है। नौबत यानी क्या होता है, नौबत यानी परिस्थिति होता है। देखिए सख्त मिस होता है कड़ा और विविध मिस होता है अनेक, तो जो बच गया वो मिला देंगे, तो विविध बच गया था तो अनेक में मिला दिए, तो ये हो गया। 3 में बोला जा रहा है प्रत्यय का उपयोग करके खाली स्थानों को भरे। देखिये प्रत्यय किसको कहते हैं, वैसे शब्दांश, शब्दों के भाग होते हैं, अंश होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए। आपको पहले के सेट में बता चुके हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, उस वक्त भी बताए थे प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं जो पहले लगता है और प्रत्यय कहते हैं जो बाद में लगता है। तो एग्जाम में है ना दोनों से सवाल पूछा जाता है, तो आप उपसर्ग भी याद रखिए, प्रत्यय भी याद रखिए। उपसर्ग का वीडियो तो पहले ही बना चुके हैं, ये सेट 4 है, तो सेट 3 में बताए थे या फिर सेट 2 में बताए थे, जो रेगुलर वीडियोज देखते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा। 3 में बोल रहा था क्या, प्रत्यय का उपयोग करके खाली स्थानों को भरे, इसमें 10 गो रहेगा भरने वाला, एक सॉल्व कीजिएगा तो 1 नंबर और 10 सॉल्व कीजिएगा तो 10 नंबर।
तो देखिए यहाँ पर भरना है, तो देखिए इस शब्द के अंत में भरना है ना, इस शब्द के अंत में भरना है, तो अंत में भरना है शब्दों के अंश, तो उसको कहेंगे प्रत्यय। क्यों भरेंगे? इसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, दुकान है तो दुकान से भर सकते हैं दुकानदार, तो यहां पर क्या लिखेंगे? दार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दार, दुकान दार। कला है तो कलाकार लिखेंगे। गीत है तो गीतकार लिखेंगे। समझ है तो समझदार लिखेंगे। सु से क्या लिखेंगे? सुंदर लिखेंगे। आधा न और द और र, तो माल के अंत में लगाएंगे दार, मालदार, यानी कि क्या, जिसके पास बहुत पैसे है, मजेदार। ठीक है, मलाईदार, जो खाते हैं उसमें मलाई बहुत ज्यादा है, कहते हैं कि मलाईदार है। सम है तो सम से लिख सकते हैं समकालीन, समझे, तो अंत में लगाएंगे कालीन। ठीक है, समकालीन का मतलब होता है एक ही काल के, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही काल के थे। हित से बना सकते हैं हितकर, हित में से होता है भलाई, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे भलाई के लिए अच्छा है, उसको बोलते हैं हितकर। इसके पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप इसका बार बार रिवीजन कर सकें। देखिए फोर में बोला जा रहा है अपनी मातृभाषा में लिखिए, अपनी मातृभाषा, तो मातृभाषा हमारा क्या है? हिंदी है, तो हिंदी में लिखना है। इस तरह का पांच को क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर, और फिर पांचों का सही जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर। पहला है नहीं माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये कौन सा चैप्टर से है? ये ननकू चैप्टर से है। तो कई सारे वीडियोस बना चुके हैं क्लास 5 का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें, तो क्लास 5 का ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, चारों सब्जेक्ट का मिलेगा। तो फर्स्ट है नहीं माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो हम सब क्या बोलते हैं? पहले माँ बोलते हैं, माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। 2 है वह तो बाजार गया है, तो लिख सकते हैं अपनी भाषा में वह बाजार गया है। 3 है मैं बहुत तुम्हें देर से देख रहा हूं, तो हम सब क्या है तुम्हें को पहले बोलते हैं, ठीक है ना, मैं के बाद, सब्जेक्ट के बाद, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, समझे, तुम्हें को क्या कहेंगे? सेकंड में कहेंगे। 4 है तुम तो किसी का कहना नहीं मानते हो, जिसको लिखेंगे तुम किसी का कहना नहीं मानते हो, तू को हटा देंगे। 5 है मेरे स्कूल के शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उसको बोल सकते हैं अपनी मातृभाषा में मेरे स्कूल के शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, हो गया कंप्लीट। ठीक है, 5वें में बोला जा रहा है 100 शब्दों में उत्तर दीजिए, इसमें क्या रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। देखिए यहाँ पर अथवा लगाया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक का जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। अच्छे से जवाब दीजिएगा जैसा हम लिखा रहे हैं, तो 10 में 10 मिलेगा। और कुछ भी गलती कर रहे हैं, ठीक से नहीं जवाब दे पा रहे हैं 100 शब्दों में, तो आपको कम नंबर मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक का जवाब देना है, तो जो आपको आसान लगेगा उसका जवाब दीजिएगा। इस वीडियो में तो हम दोनों बताएंगे, तो हमको तो पता नहीं है कि आपको कौन सा आसान लगेगा। तो ये तो टिपटिपा चैप्टर्स है, तो एक कहानी है, समझे, तो हमको लगता है कि ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा क्योंकि कहानी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप जरूर जाकर देख लें। कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं, प्लेलिस्ट में तो आपको मिल ही जाएगा। पहला बोल रहा था क्वेश्चन, वर्षा के बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने से क्या नुकसान है, लिखें। तो कितना शब्द में? 100 शब्दों में लिखना है, लगभग 100 शब्द में, यानी 100 से थोड़ा सा कम रहेगा, 95-96 रहेगा तो चलेगा, या फिर 101, 102, 103, यानी 103 यानी 103, ये सब रहेगा तो चलेगा, तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे रहेगा तो चलेगा। तो लगभग का मतलब ही होता है थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वर्षा के बहुत अधिक होने से निम्नलिखित नुकसान है, पहले नुकसान लिखेंगे वर्षा के अधिक होने से, फिर नुकसान लिखेंगे वर्षा के कम होने से, तो लिखेंगे वर्षा के बहुत अधिक होने से निम्नलिखित नुकसान है। देखिए यहाँ पर है मैं क्या डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बहुवचन, तो नुकसान क्या है, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो पहला लिखेंगे फसल नष्ट हो जाते हैं, तो बारिश बहुत ज़्यादा होता है ना, तो खेतों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसके कारण खेतों में लगे फसल नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, किसानों को जो पूरा मेहनत है वो बर्बाद चला जाता है। दूसरा है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हुआ तो बाढ़ आ ही जाएगा, तो नदियों में पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण है ना, वो नदी का पानी क्या आसपास के गांव में फैल जाता है और बाढ़ ले आता है, माल मवेशी बाढ़ के पानी में बह जाते हैं,
थोड़े बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो बाढ़ के पानी में बहने से ना बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं ना, ठीक, तो कभी नाव डूब गया, कभी घर डूब गया, जो मिट्टी का घर रहता है नदी के किनारे वो डूब गया। तो नदी की तेज धारा में ना अगर वो बह जाते हैं, ठीक है, तो उनका मृत्यु भी हो जाता है। 5 है, बाढ़ के बाद गांव एवं शहरों में महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। देखिए, बारिश बहुत ज्यादा हुआ तो पानी क्या होता है ना, जम जाता है। तो जहाँ कचरा उचरा फेंका हुआ, ठीक है, वो सब के सब क्या होता है, सड़ने गलने लगता है। ठीक है, सड़े गलेगा तो बहुत महकेगा, ऊपर से क्या है, बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बीमारी फैलने का खतरा है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोई बीमारी बहुत ज्यादा फैलता है उसको बोलते हैं महामारी। ठीक है, अब लिखेंगे वर्षा कम होने के नुकसान निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सौ शब्द में लिखना है, इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, बाढ़ का जो पानी है ना और क्या क्या करता है, ढेर सारी चीज लिख सकते हैं, तो इसलिए लिमिट है यहाँ पर 100 शब्द, तो दोनों लिखना है। तो यहाँ पर लिमिट है इसलिए 5 को लिखा है। आगे लिखेंगे वर्षा कम होने के नुकसान निम्नलिखित हैं। ठीक है, डॉट छोड़िएगा नहीं। फर्स्ट लिखेंगे फसल सूख जाती है, तो बारिश कम हो गया तो जाहिर सी बात है फसल सूख जाएगा। तो फसलों के विकास करने के लिए ना पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सब सिंचाई करते हैं। लेकिन सिंचाई कितना करेंगे, तो वर्षा कम होने से फसल सूख जाती है, लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। बारिश कम होने से क्या, फसल सूख गया तो बाजार में जो है ना गेहूं चावल दाल सब्जी फल ये सब बहुत महंगे हो जाते हैं, जिसके कारण है ना गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनमें भुखमरी हो जाता है, भोजन नहीं मिलेगा तो भूखे रहना पड़ता है उनको। 3 है, मवेशियों को चारा नहीं मिल पाता है। जैसे मान लेते हैं बरसात के मौसम में बारिश नहीं हो रहा, ठीक है, धूपा तो उगा हुआ रहता है ना, जिसके कारण क्या होता है वो जो घास उस है ना सूख जाते हैं, जिसके कारण मवेशियों को चारा नहीं मिल पाता, जो हरा चारा होता है ना नहीं मिल पाता। 4 लिखेंगे लोगों को मजबूरी में शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। जैसे गांव में बारिश ठीक से नहीं हुआ तो फसल तो हुआ नहीं, तो खेती से ठीक तो हुआ नहीं, इसलिए जो लोग होते हैं वो शहर की ओर आते हैं और यहाँ पर क्या काम करते हैं, जैसे ईटा ढोने का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, ठीक है, ठेला चला रहे हैं, उसके बाद और भी ढेर सारे काम में वो लग जाते हैं। तो लोगों को मजबूरी में शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। कौन चाहता है अपने गांव को छोड़ना, तो मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। ये लिखना चाहते हो तो ये लिखिए, या फिर ये लिखना चाहते हो तो ये लिखिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ अथवा, तो कोई एक ही लिखना है। बाघ खूंटे से कैसे बंध गया, ये चैप्टर 2 टिपटिपुआ से है। एक उत्तर लिखेंगे भोला का गधा बारिश में खो गया, वह दिन भर बारिश में गधे को खोजता रहा, वह गधे को खोजते हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग आई थी जिसमें बाघ छिपकर बैठा था। बारिश और अंधेरा के कारण भोला बाघ को गधा समझकर लाठी बरसाने लगा। भय से बाघ सहम कर चुपचाप सब कुछ सहता रहा। तब भोला ने बाघ की कान पकड़कर अपने घर लाया और उसे खूंटे से बांध दिया। तो ये पूछ रहा था बाघ खूंटे से कैसे बंध गया, तो उसको भोला है ना भोला बांधा था खूंटा से। ठीक, टिपटिपुआ में क्या होता है, बारिश बहुत देर से होते रहता है, ठीक है ना, तो भोला गधा खो जाता है बारिश में। तो भोला बहुत ढूंढता है, पंडित जी से पूछता है, पंडित जी ना पंडित जी के घर में ना बारिश का पानी घुस रहता है तो उपजते रहता है, ठीक है, तो वो भी पंडित जी भी क्या होता है बहुत गुस्सा होते हैं। तो भोला ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुंचता है, तो तालाब के किनारे ना बहुत ऊंचा ऊंचा घास, बहुत बड़ा बड़ा घास उग गया था, तो बाघ वहीं पर छिपकर बैठा हुआ था। ठीक है, तो भोला को लगा ना कि उसका गधा है, ठीक से दिखाई नहीं पड़ा, हल्का हल्का अंधेरा था, ठीक से दिखाई नहीं पड़ा, ठीक है, शाम हो चुका था, तो सोचा है कि गधा है और लाठी तो ले ली ही था, तो उस पर दम बरसाने लगा, जोर जोर से मारने लगा। तो बाघ बहुत ही ज्यादा डर गया, उसको लगा ना कि यही टिपटिपुआ है, क्योंकि वो दादी से सुना था, ठीक है, दादी कह रही थी ना, अब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, दादी कह रही थी कि हमको शेर बाघ से डर नहीं लगता, हमको टिपटिपुआ से डर लगता है। वो बारिश के बारे में बता रही थी कि अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज होगा तो कैसे होगा, काम नहीं हो पाएगा, उसके बाद है कि छत से टपकेगा पानी तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसलिए दादी कह रही थी कि हमको शेर बाघ से डर नहीं लगता, हमको टिपटिपुआ से डर लगता है, यानी बारिश बहुत ज्यादा तेज होगा ना उससे डर लगता है। तो बाघ क्या समझा ना कि टिपटिपुआ कोई आदमी का नाम है, ठीक है, किसी आदमी का नाम है, किसी जीव का नाम है। तो जब वो भोला है ना लाठी से मारने लगा किसको, बाघ को, तो बाघ को लगा कि यही टिपटिपुआ है जिसके बारे में
दादी बात कर रहे थे इसलिए वो चुपचाप था, तो भोला को अंधेरा के कारण ना दिखाई नहीं पड़ा कि ये उसका गधा नहीं है, ये बाघ है। और बाघ तो कुछ बोला ही नहीं, एकदम चुपचाप लाठी सह रहा था। तो भोला बाघ का कान पकड़ कर अपने घर ले आया और उसे खूंटे से बांध दिया। जब सुबह उठा ना तो देखा कि ये यहाँ पर गधा का गधा तो है ही नहीं, ये तो बाघ है, तो खुद आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार से सेट 4 समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।